हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सैटरडे के दिन मैं बहुत हैप्पी रहती हूँ क्योंकि छुट्टी का दिन है। एक्चुअली मैं फ्राइडे इवनिंग से छुट्टी के मूड में हैप्पी हो जाती हूँ। मुझे फ्राइडे जैसे ही आता है मुझे लगता है अरे यार दो दिन छुट्टी मिलेगा, सैटरडे संडे। ओ कितना रिलैक्स। सैटरडे के दिन हम लोग लेट थोड़ा उठते हैं और उसके बाद आराम से चाय वाय पीते हैं, तब ब्रेकफास्ट वगैरह बनाते हैं और उसके बाद बाहर जाने का थोड़ा होता है क्योंकि सैटरडे के दिन हम लोग पूरा वीक का थोड़ा कुछ खरीद के रखते हैं। बीच बीच में जो चाहिए होता है तो ऑर्डर करके ऑनलाइन में मंगा लेते हैं। आज मैं वो डिप वाला चाय नहीं बनाऊंगी, आज जिंजर वाला मसाला टी बनाऊंगी। आज मुझे मैगी खाने का बहुत मन कर रहा है तो आज मैं मैगी बनाऊंगी। ऐसे दिन में तो मैं मैगी नहीं खाती हूँ, थोड़ा हेल्थी खाती हूँ। आज मैं मैगी खाने का बहुत मन कर रहा था, मैगी बनाऊंगी। मैगी में थोड़ा सा सब्जी डाल दूंगी तो मैगी भी थोड़ा सा हेल्दी हो जाएगा। चलिए मैं चाय बना लेती हूँ और ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। मैंने सोचा था जिंजर वाला चाय बनाऊंगी मगर जिंजर खत्म हो गया तो इसलिए इलायची और लौंग डाल के बनाऊंगी। मुझे ध्यान ही नहीं रहा घर में जिंजर नहीं है। ठीक है चलेगा, इलायची और लौंग का चाय बनाऊंगी। आज जाऊंगी जब तब मैं जिंजर लेके आऊंगी। मैगी बनाने के लिए वेजिटेबल कट करके रखा है, वेजिटेबल मगर मैंने नहीं कट किया है, राज ने कट किया है। बहुत बढ़िया कट किया है ना। जैसे मिल्क बॉईल हो जाएगा तो मैं, मेरे पास ये बैगी है तो मैं डाल दूंगी। मैंने ऑनियन डाल के कैरेट डाल दिया है मैगी के लिए, दोनों जैसे फ्राई हो जाएगा। लास्ट में मैं कैप्सिकम डालूंगी क्योंकि पहले से अगर कैप्सिकम डालूंगी तो गल जाएगा, तो कैप्सिकम मैं लास्ट में ही डालूंगी। बड़ा सा ग्रीन चिली भी डालूंगी। थोड़ा सा रेड चिली ऐड करूंगी, टेस्ट अच्छा है। यहाँ पे मैगी का करी फ्लेवर मिलता है और वो जो मसाला वाला फ्लेवर है मिलता नहीं है इतना, मतलब मिलता है किसी किसी दुकान में, कभी कभी मिल जाता है तो करी फ्लेवर मिलता है। ये भी अच्छा है खाने में, ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं है, मगर वो मसाला वाला फ्लेवर मुझे बहुत अच्छा लगता है जो इंडिया में मिलता है। यहाँ पे बहुत रेयर वो मसाला वाला फ्लेवर किसी दुकान में मिले, तो यही मिलता है तो यही लेती हूँ। चाय बन गया है, हम लोग बाहर जा रहे हैं। आज थोड़ा सा शॉपिंग वगैरह है कुछ और ग्रोसरी वगैरह भी लेना है तो उसके लिए बाहर जा रहे हैं। मेरा आज ऐसा ही कुछ ब्लैक आउटफिट है। मैं पूरा आउटफिट आप लोगों को दिखाती हूँ क्योंकि थोड़ा सा कोल्ड है, यहाँ पे कोल्ड थोड़ा स्टार्ट हो गया है, बहुत ज्यादा तो नहीं है। और हल्का लेदर जैकेट या बॉमर कुछ भी ऐसा कुछ पहनना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ा सा कोल्ड लगेगा। हम लोग पहुंच चुके हैं और मैं ज़ारा के अंदर जाने वाली हूँ। देखते हैं मुझे क्या क्या मिलता है ज़ारा में। मैं ज़ारा में
मॉल का नाम बताना भूल गई हूँ। इस मॉल का नाम है ईडन। फेवरेट शॉप में घुसने से पहले अपने आप को चार्ज कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ जाके मुझे भाग दौड़ करके शॉपिंग करना है बहुत सारे, और मेरे पास टाइम कम है, तो मैं आइसक्रीम खा के मेरे अपने आप को चार्ज कर रही हूँ। और आज का आइसक्रीम मैं टेस्ट करूँगी अभी, मगर उनको मैं ये नहीं दूँ। हम लोगों ने बहुत सारा शॉपिंग किया है, घर में जाके दिखाऊंगी आप लोगों को। अगर टाइम नहीं मिला, मैं दूसरे दिन एक हॉल बनाऊंगी इसका। मुझे बहुत जोर से भूख लगा है, ऐसा लिया है। जैसे हम लोग घर पहुंचे हैं, आज रास्ते में बहुत ट्रैफिक था, घर पहुंचने में थोड़ा लेट हो गए हैं। भूख तो अभी नहीं है, अभी रात का ही खाने का है। रात चाय बना रहा है, मुझे केटल का साउंड आ रहा है, चाय पीऊंगी बस इतना ही अभी। उसके बाद रात का देखूंगी क्या करना है, या तो बाहर से मंगा के खाऊंगी या तो मैं बनाऊंगी, पता नहीं, मूड के ऊपर डिपेंड करता है वो। आज मैं आप लोगों को शॉपिंग नहीं दिखाऊंगी क्योंकि बहुत टाइम लगेगा, बहुत सारा शॉपिंग है, तो मैं उसके लिए दूसरे दिन एक हॉल बनाऊंगी, उसमें दिखाऊंगी। आज की व्लॉग को मैं यहीं पे खत्म करती हूँ गाइस, बाय, गुड नाइट।